कितनी बार इस पोस्टमैन से कहा है कि दरवाजे के नीचे से लेटर मत डाला करो, लेकिन नहीं, पता नहीं इनको क्या मजा आता है दरवाजे के। आदि, oh my God, आदि तुम ठीक हो? चोट तो नहीं लगी ना? क्या सुहानी, डोरबेल बजा कर आना चाहिए ना। आदि मुझे क्या सपना आएगा कि तुम दरवाजे पे से झुके हुए खड़े हो? अरे वो तो मैं लेटर। अच्छा, घबराओ मत, मुझे चोट नहीं लगी। नहीं, मैं तुम्हारी वजह से नहीं घबरा रही हूँ, मैं तो बाहर से घबरा कर आई हूँ। क्यों? आदि, मंदिरा दीदी का फोन आया था। पर वो तो हमेशा आता है, इनफैक्ट वो तो घर भी आई थी, लेकिन तुम कभी घबराई नहीं। आदि तो मेरी पूरी बात सुनोगे क्या? अच्छा सुनाओ। मंदिरा दीदी का फोन आया था कि उनकी फ्रेंड और उसके पति यहाँ आ रहे हैं। तो क्या हमें रेंट पर उन्हें घर दिलवाना है। तो तुम उन्हें जानते नहीं हो, वो एक साड़ी भी खरीदने जाती है ना, तो पूरी की पूरी दुकान काउंटर पर खुलवा कर रखवा देती है। Oh my God, हमें तो उन्हें पूरा का पूरा घर दिलवाना है। आदि डोंट वरी सुहानी, वो घर खुलवाकर काउंटर पर नहीं रख सकती, क्योंकि घर की तो कोई दुकान ही नहीं होती। नॉट फनी आदि, वो बहुत डिमांडिंग है। तुम्हें पता है 1000 से ज्यादा लड़के रिजेक्ट करने के बाद 2 साल पहले 32-33 ईयर्स की उम्र में उन्होंने फाइनली एक लड़का पसंद करके शादी की। सुहानी, लड़का नहीं, आदमी पसंद किया होगा। मजाक छोड़ो ना आदि, प्लीज अपने एस्टेट एजेंट को फोन करके यहाँ बुला लो, उनके आते ही डील फाइनल करवा देंगे। रिलैक्स सुहानी, मैं अपने एस्टेट एजेंट को फोन कर दूंगा। तुम ऐसे बिहेव करो जैसे दीदी की फ्रेंड नहीं, कोई भूचाल आ रहा हो। आ ही रहा है। कितना गर्मी है, तुम नहीं लेकर आया ना अम्ब्रेला। कितना तुमको बोलते तो कुछ नहीं सुनता है तुम। थोड़ा मेहनत करो, मेरे को पूरा ये सब खरीदना है। Get some dry bean. Watchman, एक खाने आओ। लीजिए आ गए, अब खिलाइए। हम तुमको क्या खिलाएगा बाबा? अगे मैया, आप ही ना बोली थी कि एक खाने आओ, तो हम आ गए खाने के लिए, अब खिलाइए। आहा, इनका मतलब है। चुप करो, हम तुमको बोला कुछ बोलने को? तुमको कुछ पता है? नहीं पता ना, रुको। हाँ सुनो, हमको बताओ आदित्य खन्ना का बाड़ी किधर है? गजब है मैडम आपकी। अरे जहाँ आदित्य साहब होंगे वही तो उनकी बाड़ी होगी ना। अरे इंसान है, कोई भूत पलित थोड़ी है कि बाड़ी कहीं और इंसान कहीं और। बताइए, एक चोट देगा ना, पूरा दांत सब हाथ में निकाल देगा। जितना पूछा उतने का जवाब दो, समझा? अरे मैया, ऑन ड्यूटी वॉचमैन पर हाथ उठाने का धमकी दे रही हैं आप। सुनो, हम तुमको बोला कुछ बोलने को? हाँ, तुमको कुछ पता है? नहीं पता ना, चुप करो तुम। सुनो, तुम खाली एक वॉचमैन है, पुलिसमैन नहीं है। ये हम ऑन ड्यूटी तुम्हारे पर हाथ नहीं उठा सकता। मैडम, मैन तो है ना, इतना तो इज्जत रखी है। अरे इतना तो हमारी मेहरारू भी नहीं डांटती है, बताइए। हमको तो कुछ भी नहीं पता। तुम हमको पता बताओ। तुमको पता नहीं हम कौन है? बहुत डेंजर है, जल्दी बताओ, ताड़ाताड़ी। वो तो दिख रहा है। नहीं, जो वो दिख रहा है, तीसरा मकान वो वाला है। सुहानी मेरा सोना। हेलो बोलो। हेलो मेरा सोना। हेलो, वेलकम, आइए ना। सुहानी, देवुंदी, he's my husband. आदित्य, आमी देवुंदीता। की दित्ता है? नहीं, हमारा नाम देवुंदीता है। Oh, how are you? बालो। आइए ना प्लीज। थैंक यू। चलो। सुहानी, मैं इनसे इतनी रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ कि मुझे भालू क्यों कह रही है? भालू नहीं कह रही है, वो कह रही है भालो, मतलब अच्छा। Oh God, it's so nice to see you, Didi. Good to see you too. How's it going? Very good. तुम्हारा घर कितना सुंदर है, हाँ, love it. Thank you, Didi. मैंने और आदि ने मिलकर सजाया। आप कम बोलते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है कि हमारा नाम अमिताभ चटर्जी है, चट्टोपाध्याय। कोलकाता में हमारा एक अखबार है, उस अखबार में जो कुछ भी उधर होता है अन्याय, उसके बारे में हम लिखता है। और हमारा हॉबी जो है वो है। आप अपनी हॉबीज के बारे में बता रहे थे, कहिए ना। हाँ बोलिए ना। नहीं, अभी नहीं बोलेगा वो। क्या है, हमने उसका ना स्विच ऑफ कर दिया है। ये बैटरी से चलते हैं? नहीं, ये तो हमारे इशारे से चलते हैं। ये पहले से ही कैसे हैं या शादी के बाद आपने मॉडिफाई किया है? चाय दीदी, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। मेरे लिए कॉफी। आदि चलो। हाँ ओके। मैं जा रहा। नहीं यही खड़े रहो। तुम क्यों बार बार उन्हें छेड़े जा रहे थे? अरे वो अपने पति को पॉपेट की तरह ट्रीट कर रही है। तो तुम्हें क्या, उनकी लाइफ है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उनके पति की शक्ल देखी, बलि देने से पहले बकरा भी उनसे ज्यादा खुश रहता होगा। आदि वो शुरू से ही ऐसी। इतने सारे लड़के रिजेक्ट करके उनसे शादी इसलिए की थी ताकि वो उनके इशारों पर नाच सके। बट इट्स रॉन्ग। तुम मर्दों के सपोर्ट में झंडा लेकर खड़े रहने से अच्छा ना एस्टेट एजेंट को फोन करो ताकि उनकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो। फोन कर दिया, जब वो फ्री होगा आएगा। आ गया, जाओ जाओ जाके दरवाजा खोलो, मैं चाय लेकर आती हूँ। सुहानी थोड़ा प्यार से बोल, मैं तुम्हारी दीदी के पति टाइप का आदमी नहीं हूँ। प्लीज ओपन द डोर। जा रहा हूँ, नाराज क्यों हो रही हो? आदित्य जी कब से वेट कर रहा हूँ। अरे हो जाता है थोड़ा लेट। आओ। ये हमारी दीदी है। एक से एक प्लेट दिलवाऊंगा, जितने चाहे मिल जाएंगे ब्रोकरेज काट के। दूसरे लोग के लिए कितना फ्लैट चाहिए बाबा? प्यार से रहेंगे तो एक, तलाक हो जाएगा तो दो। What is so funny? सुनो, कॉमेडी करना है ना तो फिल्म में जाओ, चल बेना हमारे साथ तो नहीं चलेगा। भैया आप अच्छा सा कोई फ्लैट बताइए। भाभी पास ही में 25 माले की बिल्डिंग है, 20वें फ्लोर पर एक फ्लैट है, डबल बेडरूम, बढ़िया हवा आती है, सी फेसिंग, ब्रोकरेज काट के। 20th फ्लोर, लिफ्ट खराब हो गया तो कैसे जाएगा? नहीं बाबा हमको नहीं चाहिए। ओके कोई दूसरा बताओ यार। सेकंड फ्लोर, बालकनी भी है। ये अच्छा है, I love balcony my dear। चुप करो, balcony भाई, भाई do we need balcony? आ जानी जानी, हमको धक्का देने के लिए तुम्हें balcony चाहिए? नहीं चाहिए हमको। अरे मैडम उसको साइड में रखिए। 10वें माले की एक और बिल्डिंग है वर्सोवा में, वहाँ जाइए, जिम मिलेगा आपको, स्टीम, सब कुछ, सारी फैसिलिटी। पास ही में मैडम जॉगर्स पार्क भी है, जब चाहे आप अपनी जॉगिंग कर सकते हैं। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? नहीं, आपके पास तो एक भी अच्छा बाड़ी नहीं है। मैडम मैं आपको जमीन ही दिलवा देता हूँ, आप अपनी पसंद से खुद ही घर बनवा लीजिए वहाँ पर। हम तुमको मिस्त्री दिखता है, हम कैसे करेगा वो? आदि एक काम करो, तुम ही इनके साथ जाकर एक दो घर देखो। ओके ठीक है। जीजा जी आप भी चलिए। तुम जाएगा? तुम सचमुच जाएगा? दीदी जाने दीजिए ना, वो सिर्फ देख के ही तो आ रहे हैं। जीजा जी को आपकी पसंद पता है। वैसे भी फाइनली फाइनल तो आप ही को करना है। हाँ वो तो है। जाओ। देखो आमी की बोलछी कि घर हवादार होना चाहिए, पानी 24 घंटा आना चाहिए और मोहल्ला वाला अच्छा होना चाहिए, माने सोसाइटी पीसफुल होना चाहिए। हाँ और है सबसे जरूरी बात, व्यू अच्छा होना चाहिए। क्या अच्छा होना चाहिए? व्यू। आहा माने भिंडो में से व्यू अच्छा होना चाहिए। अच्छा व्यू। हाँ क्या है कि हम ना क्वालिटी के मामले में बहुत पर्टिकुलर अच्छी, इसलिए सब कुछ पहले बता देते हैं। अरे तो ये सब आप ऊपर क्यों नहीं बोले? ब्रोकरेज काट के हमारा मन नहीं किया इसलिए नहीं बोले। अब क्या हम तुमसे पूछ के बोलेंगे? देखो दादा हम बहुत संतोप्रिय आदमी हैं, हमको गुस्सा आ गया ना तो यहीं पे गंडोगोल हो जाबे। गाली नहीं, गाली नहीं प्लीज। सॉरी ना, गाली ना, गंडोगोल। गंडोगोल माने क्या बोलते हैं? गड़बड़, गड़बड़ हो जाबे। जितना आप यहाँ बोल रहे हैं ना उसका 1/4 भी दीदी के सामने बोले ना तो आप नॉर्मल इंसान लगे। डोंट माइंड, कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? आप अपनी बीवी से इतना डरते क्यों हैं? हाँ डरता नहीं है, रिस्पेक्ट करता है। अ वुमन शुड बी रिस्पेक्टेड ना। ओह रिस्पेक्ट कहते हैं इसे। वैसे आपको पता है मेरी 1 महीने में शादी होने वाली है। गुड, लेकिन आपकी हालत देखकर मुझे डर लग रहा है। आई देखो फालतू बोलते होबे ना, घर दिखाना है घर दिखाओ। चलिए। सुहानी जी तुम खाना क्यों पका रहा है? घर में सर्वेंट नहीं है दी। हाँ तो पति तो है ना। सारा काम अपने अपने ही करना चाहिए, वरना ये लोग सड़क के ऊपर जंप करते हैं। आप भी नदी कुछ भी। अरे सत्य बोलता है बाबा। सुनो, हस्बैंड लोगों को ना एक तो दबा के रखना चाहिए। दी, आदि को दबा के रखने की कोई जरूरत नहीं, वो वैसे मेरी सारी बात सुनता है। हम अभी आते हैं। हाँ? इनका नाम देवोंदिता नहीं, रोड रोलर होना चाहिए था। पति को ऐसे दबा कर रखा है कि सड़क से भी ज्यादा चपटे लगते हैं। शताबादी। वैसे क्या बना रहे हैं हम? कच्चा कोला डालना। मैंने इंग्रेडिएंट्स भी रेडी कर दिए। कच्चा कोला डालना बनाने के लिए हमें चाहिए लसन, प्याज, तेज पत्ता, टमाटर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, सौंफ, भिगोए हुए खसखस, इलायची पाउडर, जीरा, चीनी, गरम मसाला पाउडर, हरा धनिया, धनिया पाउडर, बटर, क्रीम और कच्चे केले। आदि, ये खाना हम 4 लोगों के लिए बना रहे हैं, इसलिए इंग्रेडिएंट्स उसी हिसाब से बढ़ेंगे। ओके, तुम रेसिपी बताओ, मैं बनाता हूँ। ओके। आदि, सबसे पहले इन कच्चे केलों को बॉईल कर लो। ओके। आधा लीटर पानी डाल। अब जब तक ये बॉईल होते हैं, हम डालना का मसाला बनाएंगे। ओके। सबसे पहले एक पैन लो। उसमें डालो 2 टेबलस्पून ऑयल, एक टीस्पून लहसुन, 50 ग्राम प्याज। अब डालो 2 से 3 तेज पत्ता, 300 ग्राम टमाटर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब डालो नमक स्वाद अनुसार। इसे अच्छे से चला लो। अब डालो 2 टीस्पून सौंफ। ये डल गया 2 टीस्पून सौंफ। अब इसे अच्छी तरह से चला लो। अब हमें इस मसाले को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करना है। अब इसमें डालो आधा कप भिगोए हुए खसखस। अब इसे अच्छी तरह से पीस लो। यस मदाम। हो गया। अब वो केले बॉईल हो गए होंगे, देखो जरा। हाँ, हो गए ना, उन्हें निकाल लो। ओके। अब ये केले ठंडे हो जाने पर इन्हें छील कर काटना है। ओके। अब इन केलों को रोस्ट करना है। उसमें डालो 2 टेबलस्पून ऑयल। उबले हुए केले। अब डालो आधा टीस्पून इलायची पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। अब इसे अच्छी तरह से मिला लो और फिर टॉस करो। अब हम बनाएंगे मेन डिश। एक कढ़ाई ले लो, उसमें डालो 2 टेबलस्पून ऑयल। अब 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब इस पिसे हुए मसाले को उसमें डालो। अब डालो आधा कप पानी। अब इसे ढको। ढक दिया। अब इसमें डालो आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ओके। आधा टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चीनी। चीनी डालनी जरूरी है क्या? आदि, रोमांस नहीं करो, चलो जल्दी से खाना बनाओ। कम ऑन। आधा टीस्पून इलायची पाउडर। ओके। अब डालो 3 क्यूब बटर, अच्छे से मिला लो। अब इसमें डालो टॉस किए हुए केले। ओके। इसे अच्छे से मिला लो। अब इसे कुछ देर ढककर पकने के लिए रखना। रख दिया। अब इसमें डालो 3 टीस्पून क्रीम। अब इसे अच्छे से चला लो। अब इसे सर्व करते हैं। अब इसे गार्निश करो क्रीम और धनिया के पत्तों से। हो गया हमारा कच्चा कोला डालना तैयार। दी, आज आपके लिए बंगाली डिश बनाई है, चख के बताइए कैसी है। दी मैंने बनाई। भीषण भालो बाबा, काचा कोला डालना ना हमारा फेवरेट डिश है। कैसे बनाया दी? आप बंगाली, आपको काचा कोला डालना की रेसिपी नहीं पता? मेरे को पता है। देखो, काचा कोला डालना बनाने के लिए आपको चाहिए 4 कच्चे केले, 1 टीस्पून इलायची पाउडर, 1 टीस्पून चीनी, 300 ग्राम टमाटर, 50 ग्राम प्याज, 1 टीस्पून लहसुन, आधा कप भिगोया हुआ खसखस, 2-3 तेज पत्ता, 2 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 3 क्यूब्स माखन, 3 टीस्पून क्रीम, 6 टेबलस्पून ऑयल यानी तेल, नमक स्वाद अनुसार और धनिया का पत्ता। सबसे पहले पैन में आधा लीटर पानी डालकर 4 कच्चे केले को उबालें। ठंडा हो जाने पर उसे काट लें। मसाला बनाने के लिए एक पैन में 2 टेबलस्पून तेल डालकर उसे गरम करें। उसमें डालें 1 टीस्पून लहसुन, 50 ग्राम प्याज, 2-3 तेज पत्ता, 300 ग्राम टमाटर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 2 टीस्पून सौंफ और उसे अच्छे से चलाएं। मसाले को मिक्सर ग्राइंडर में डालें। आधा कप भिगोया हुआ खसखस डालकर मसाले को पीस लें। एक पैन में 2 टेबलस्पून तेल डालकर उसे गरम करें। उसमें उबले हुए केले, आधा टीस्पून इलायची पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डालकर उसे हल्के से टॉस करें। मेन डिश के लिए एक पैन में 2 टेबलस्पून तेल डालकर उसे गरम करें। उसमें 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ग्राइंड किया हुआ पेस्ट, आधा कप पानी डालकर उसे चलाएं और ढक्कन बंद करके उसे कुछ देर तक पकाएं। ढक्कन हटाने के बाद उसमें आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चीनी, आधा टीस्पून इलायची पाउडर, 3 क्यूब्स माखन और रोस्टेड केले को डालकर उसे दोबारा कवर करके पकाएं। आखिर में डालें 3 टीस्पून क्रीम और उसे मिलाकर सर्विंग बाउल में निकालें। डिश को गार्निश करें क्रीम और धनिया के पत्तों से और इस तरह तैयार हुआ काचा कोला डालना। ऑसम जीजू। दीदी, इनको पता है और आपको नहीं पता। हाँ, इनको तो पता होगा ना, खाना यही पकाते हैं तो इनको तो पता होगा ही। आप 2 साल से किचन में नहीं गई है। अरे गया ना, पानी पीने को तो जाना पड़ता है ना। देखो, हम खाली खाना नहीं बनाता है लेकिन किचन में जरूर जाता है। आ गई स्वीट डिश। ये ली, रसगुल्ले ही ला पाई, संदेश नहीं मिला। इसका संदेश नहीं मिला? और सोनी, तुम इतनी शुद्ध हिंदी में क्यों बोल रही हो? मैसेज भी तो बोल सकती थी। तो आदित्य, अरे संदेश बंगाली मिठाई का नाम है। तुम्हें बंगाली मिठाई के बारे में नहीं पता? ऑफ कोर्स जानता हूँ ना। ये देखिए, रसगुल्ले, मिष्टी दही और एक और होता है ना, टमटम। आदि, टमटम घोड़ा गाड़ी होती है, मिठाई चमचम होती है। हाँ वही वही चमचम। इट्स सो स्वीट। सुहानी, हमको ना एक कन्फेशन करना है। क्या दी? क्या है ना, हमने तुम दोनों को किचन में एक दूसरे के साथ काम करते हुए देखा, इतना प्यार के साथ काम करते हुए देखा ना, कि हमने भी डिसाइड करा कि हम किचन में अपना हस्बैंड का हेल्प करेगा। अच्छा काम शुरू किया। एक और काम कीजिए, अपने पति को डरा के रखना बंद कीजिए। हैं? मैं डराता है? ईगो, मैं तुमको डराता है? नहीं, हम खुद डर जाता है। तुम तो मर्द है, तुमको डरने का क्या जरूरत है? देखा, आप मर्द है। अभी अभी दीदी ने कहा आपको डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी औरत को डरपोक दब्बू पति अच्छा नहीं लगता, क्यों दी? अरे हाँ, हम तो भूल ही गया था कि हम मर्द है। सुनो, हाँ। कल से तुम किचन में हमारा हेल्प कर बे। जीजा जी, दीदी ने अभी अभी यही कहा था। है हमने जो बाड़ी पसंद किया है वही फाइनल है, और उसमें बालकनी भी रहेंगे। हमने सुबह सुबह उधर खड़ा होके चाय का चुस्की मारना हमको पसंद तो है, पर वो तो दीदी को भी पसंद है। है तो ठीक है, कल से मॉर्निंग टी तुम ही बनाएंगे। ए दाना, तुम एक साथ इतना सारा मर्द बन जाएगा तो हम डाइजेस्ट कैसे करेगा? थोड़ा थोड़ा मर्द बनेगा ना, माने इंस्टॉलमेंट में हमको भी शौक कम लगेगा। सोना, आदित्य, थैंक यू। तुम्हें पता है, यहाँ आने के बाद जब तुमको हमने इतना एक दूसरे से प्यार करते हुए देखा ना, तो हमको एक चीज समझ में आया कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में प्यार और अंडरस्टैंडिंग कितना इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। और मेरा तरफ से भी थैंक यू, मुझे ये बात याद दिलाने के लिए कि मैं मर्द है। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो मैं इंस्टॉलमेंट में पूरा मर्द बन के आएगा। क्या ना देवो?